द फर्स्ट ग्रेटेस्ट इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग ली लिंगी को देखकर अपने मन के अंदर कहता है ली लिंगी फोर्थ लेवल ऑफ यूनिटी रियलम में है, ये फाइट इतनी आसान नहीं होने वाली। अब लिंगी टियानमिंग को कहता है टियानमिंग तुम एक स्वॉर्ड को पकड़ने के लायक नहीं हो, चलो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम मुझे पानी के ऊपर चैलेंज करने की हिम्मत कर सकते हो? ये सुनकर टियानमिंग कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ, आखिर इसमें हर्ज ही क्या है। अब टियानमिंग शांति के साथ प्रिंसेस फीलिंग को कहता है प्रिंसेस फीलिंग इस समय पे मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। ये सुनकर प्रिंसेस फीलिंग कहती है मैं समझ गई टियानमिंग। अब लिंगी अपने मन के अंदर कहता है ये टियानमिंग के लिए खत्म है, वो मुझे पानी के ऊपर नहीं हरा सकता। अब लिंगी टियानमिंग को कहता है वाह तुमने तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, चलो अब फाइट करते हैं। अब लिंगी पानी के ऊपर जाता है एंड अपने डेविल विंड कुंड्रिक को बाहर बुलाता है। अब जैसे ही टियानमिंग लिंगे के बीस्ट को देखता है तो वो हैरानी के साथ कहता है आखिर ये क्या है। तभी फिनिक्स टियानमिंग को बताता है ये एक मिड टियर 8 स्टार बीस्ट है। अब टियानमिंग उस बीस्ट को देखकर अपने मन के अंदर कहता है इस बीस्ट का लेवल जो है वो अंकल यांग के इंक क्विंगलिंग के लेवल के बराबर ही है। ऐसा सोचना कि यहाँ पर एक जूनियर ने इस लेवल के बीस्ट को पोजेस किया है ये तो नामुमकिन सा लगता है। अब लिंगे टियानमिंग की तरफ बढ़ते हुए कहता है अब तुम डर गए हो है ना, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। लिंगे पूरी स्पीड के साथ टियानमिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अब लिंगे टियानमिंग को कहता है एक स्वॉर्ड को घुमाना धार्मिक होना चाहिए, तुम शैतानी पथ पर बेईमानी करते हो, तुम्हें गायब हो जाना चाहिए। अब लिंगे अपने फ्लो स्ट्रीम स्वॉर्ड स्किल को इस्तेमाल करता है। ये देखते हुए टियानमिंग अपने डिमाइस ऑफ अर्थ शेकर को इस्तेमाल करता है एंड लिंगे के अटैक को इजिली ब्लॉक कर देता है। ली सेन क्लैन के विंड ब्लडलाइन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब वो सभी लोग उन दोनों के हमले को देखकर कहते हैं उन दोनों ने एक दूसरे के हमलों को कैंसिल कर दिया, ये तो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। अब तभी एक दूसरा मेंबर कहता है हालांकि ली टियानमिंग जो है वो वाटर टाइप की को इस्तेमाल नहीं करता है लेकिन तब भी वो नहीं हार रहा है। टियानमिंग पानी के ऊपर एकदम शांति के साथ खड़ा रहता है, उसका ओपोनेंट उसके सामने नहीं होता। तभी फिनिक्स टियानमिंग को ऊपर देखने के लिए कहता है। ऊपर से लिंगे अपने स्वॉर्ड स्किल को इस्तेमाल करके टियानमिंग को हार पहुंचाने की कोशिश करता है लेकिन तभी प्रिंसेस फीलिंग स्पैटियल वॉल की मदद से लिंगे के अटैक को ब्लॉक कर देती हैं। ये देखकर लिंगे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो कहता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब टियानमिंग उड़ने लगता है, ये देखकर लिंगे और ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो अपने आप से कहता है क्या वो उड़ रहा है, आखिर ये क्या है। अब टियानमिंग लिंगे से कहता है तुमने तो कहा था कि ये फाइट पानी के ऊपर होने वाली है लेकिन तुम अभी थोड़ी देर पहले उड़ क्यों रहे थे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं उड़ सकता। अब टियानमिंग हंसने लगता है। अब टियानमिंग अपने डिमाइस ऑफ अर्थ हेल शेकर की मदद से लिंगे पर हमला करता है लेकिन तभी दूसरी तरफ से लिंगे अपनी हेवन डिफाइंग फ्लो स्ट्रीम मंत्रा को इस्तेमाल करता है लेकिन बदकिस्मती से उसका ये हमला टियानमिंग के हमले को ब्लॉक नहीं कर पाता एंड उसे जोर का झटका जोर से ही लगता है। लिंगे के फादर ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी टियानमिंग कहता है आप चिंता मत कीजिए वो मरने नहीं वाला, मैंने अपने अटैक को पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस्तेमाल नहीं किया। अब कुछ समय बाद लिंगे जो होता है वो जमीन पे पड़ा होता है, उसका शरीर आधा जल चुका होता है। अब टियानमिंग जमीन पे उतरता है एंड सभी से कहता है ली लिंगे जो है वो हार चुका है, तो क्या यहाँ पर कोई और है जो कि मुझे चैलेंज करने की हिम्मत कर सकता है। ये सुनकर ली सेन क्लैन की विंड ब्लड लाइन शांत रहती है। तभी ग्रैनी ली हंसते हुए सभी से कहते हैं तुम लोग क्या अभी भी मेरे ग्रैंडसन पर शक की नजरों से देखते हो? हाँ ये बात सच है कि उसके पास एक कुनपेंग नहीं है लेकिन वो और उसका लाइवबॉर्न बीच जो है उन दोनों के पास ही 5 वेन रिंग्स हैं। भले ही उसके पास एक कुनपेंग ना हो अभी के लिए लेकिन किसे पता कि उसके बच्चों के पास कुनपेंग हो या ना हो। अब ये सुनकर उन विरोधियों में से एक विरोधी कहता है आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि उस मुर्गी के पास भी 5 वेन रिंग्स हैं। अब तभी फिनिक्स कहता है ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे पंखों को ध्यान से देखो। अब क्योंकि फिनिक्स जो होता है वो अपनी गलत साइड की पंखों को दिखा रहा होता है तो टियानमिंग उसे जल्दी से पकड़ लेता है एंड कहता है ओए पागल ये वाली साइड मत दिखाओ ये गलत साइड है। ये सुनकर फिनिक्स कहता है क्या। अब टियानमिंग फिनिक्स को बताता है उनके लिए ये मानना ही काफी ज्यादा मुश्किल है कि मेरे पास 5 वेन रिंग्स हैं लेकिन अगर उन्हें ये पता चला कि मेरे पास एक्चुअली 10 वेन रिंग्स हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहेगा, वो तो मुझे झूठा ही समझेंगे। और फिनिक्स जो होता है वो अपने राइट पंख को सबको दिखाता है एंड उस पे 5 दिल होते हैं जिससे ये चीज क्लियर हो जाती है कि फिनिक्स के पास भी 5 वेन रिंग्स हैं। अब टियानमिंग अपने मन के अंदर कहता है आज की रात को जो तुम्हारे लेफ्ट आर्म पर काले तिल हैं मैं उन्हें येलो कलर कर दूंगा।
वैसे भी तुम इतने ज्यादा बुद्धू हो कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारा लेफ्ट विंग कौन सा है और राइट कौन सा। अब जैसे ही विंड ब्लड लाइन के सभी लोग फीनिक्स के राइट पंख पर उन पांच तिलों को देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। एंड अब ग्रैनेली सभी से कहती है, अब बहुत हुआ, क्या तुम सभी लोग अब यहाँ से जा सकते हो? अब तभी वो विरोधी कहते हैं, हमें इस चीज़ के बारे में राजी करना कि हम टियानमिंग को अपना जूनियर सेक्ट मास्टर माने, ये तो बहुत ज़्यादा पॉइंटलेस है। अब तभी वो दूसरा विरोधी कहता है, अगर आप सच में टियानमिंग को जूनियर सेक्ट मास्टर बनाना चाहते हैं तो पहले आपको इंतज़ार कर ये देखना होगा कि जो और तीन ब्लड लाइन्स हैं वो इस चीज़ पर राजी हैं या नहीं। अगर आप इस सेम मेथड को यूज़ करके टियानमिंग की पोजीशन को सिक्योर करना चाहते हैं तो चलो देखते हैं कि ली टियानमिंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। अगर टियानमिंग इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ कि वो उन तीनों ब्लड लाइन्स के जीनियसेस को भी हरा पाया तो हम सभी लोग टियानमिंग को अपने जूनियर सेक्ट मास्टर के रूप में स्वीकार कर लेंगे। हमारा विंड ब्लड लाइन जो है वो लास्ट रैंक में आता है। आप तो इस चीज़ को सोच भी नहीं सकते कि वो तीन ब्लड लाइन्स जो हैं वो हमसे कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं। अब ग्रैनेली उस विरोधी से कहते हैं, वो लोग तुमसे इतने भी ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं, ये सब तुम्हारी गलती है कि तुम लोग उनके साथ उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाए। सभी लोग पीछे जा रहे हैं, ये सिंपली एक रेस है जिसमें ये देखना है कि कौन सी ब्लड लाइन सबसे ज्यादा लास्ट तक टिकी रह सकती है। अब विंड ब्लड लाइन का वो विरोधी जाते हुए ग्रैनेली से कहता है, अरे हाँ, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया, 5 दिनों में ली श्वानियू जो है, जो कि मेटल ब्लड लाइन से है, वो यहाँ पर अपने बेटे ली जिनकैन एंड क्विंग्यू की शादी के बारे में बात करने के लिए जरूर आएगा। ली वुडी एंड ली श्वानी के शर्त के हिसाब से क्विंग्यू जो है उसे ली श्वानी के बेटे ली जिनकैन से शादी करनी होगी और उनकी शादी तब होगी जब ली क्विंग्यू 16 साल की हो जाएगी। ली वुडी जो है वो सच में एक पागल है जिसने इस शर्त को रखा, यहाँ तक कि उसने इस शर्त को करवाते हुए सेक्ट एल्डर्स को भी विटनेस करने के लिए बुलाया ताकि वो इस शर्त को देख सके, लेकिन तब भी वो हारा गया। ली श्वानी जो है वो जरूर काउंसिल ऑफ एल्डर्स की मदद से तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालेगा कि तुम ली क्विंग्यू की शादी उसके बेटे से कराओ। ली श्वानी की किस्मत सच में काफी ज्यादा अच्छी है इस बार। ये सोचना कि उसके घटिया मोटे बदसूरत लड़के को इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल जीनियस क्विंग्यू के साथ शादी करने का मौका मिल रहा है, सच में ली श्वानी की किस्मत अच्छी है। क्विंग्यू, काफी ज्यादा बुरा हुआ कि तुम्हारा फादर इतना ज्यादा बड़ा बेवकूफ है, अब इस ट्रेजिक किस्मत को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। अब जैसे ही क्विंग्यू इस बात को सुनती है तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। तभी ग्रैनेली पीछे से आकर क्विंग्यू के कंधे पर हाथ रखती है एंड कहती है, मेरी ग्रैंड डॉटर, तुम डरो मत, अगर वो तुम्हें लेने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें रोकूंगी, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चले जाए। अब क्विंग्यू अपनी ग्रैनी से कहती है, ग्रैनी कोई बात नहीं। अब तभी टियानमिंग इस सभी बातों को सुन लेता है एंड अपने मन के अंदर कहता है, काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो है वो ग्रैंड ओरियंट सेक्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी है। ये सभी एल्डर्स जो होते हैं वो अलग अलग सेक्ट के लाइन से होते हैं और इनका यहाँ की हर चीज पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। इन्हें मना करना इतना भी आसान नहीं होता। 5 दिनों के अंदर अंदर वो तीन ब्लड लाइन्स यहाँ पर जरूर आएंगी। मेरा जूनियर सेक्ट मास्टर बनना जो है वो उन तीनों ब्लड लाइन से मिलने के बाद ही मुझे पता चलेगा। अब वो सभी लोग कुनपेंग सेक्रेट हॉल में जाते हैं। अब ग्रैनेली टियानमिंग से कहते हैं कि उन्होंने प्रिंसेस फीलिंग के जैसे एबिलिटीज को कभी नहीं देखा, वो सच में तुम्हारे लिए खजाना है, उसने अपने घर को छोड़ दिया ताकि वो तुम्हारे साथ रह सके, इसीलिए तुम इस चीज का ध्यान रखना कि तुम उसके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करो और उसे अच्छी तरीके से ट्रीट भी करो। अब ग्रैनेली प्रिंसेस फीलिंग से कहती है, मैं तुमसे काफी ज्यादा संतुष्ट हूँ। अब प्रिंसेस फीलिंग ग्रैनेली से कहती है, ग्रैनेली, टियानमिंग मेरा अच्छी तरीके से ख्याल रखता है, इसीलिए आप इस चीज के बारे में चिंता मत कीजिए। अब जैसे ही टियानमिंग उन दोनों को ये बातें करते हुए देखता है तो वो खुद से कहता है, मैं तो अभी तक ग्रैनेली को ग्रैनी भी नहीं पुकार सका हूँ ठीक से, लेकिन दूसरी तरफ प्रिंसेस फीलिंग को देखो, वो जिस जगह पर भी जाती हैं वो सबकी पसंदीदा बन जाती हैं, वो सच में काफी ज्यादा अलग हैं। अब तभी वहाँ पर लड़खड़ाते हुए एक आदमी आता है एंड टियानमिंग से कहता है, मेरे बेटे टियानमिंग। अब वो आदमी अपनी बॉटल को निकालता है एंड उससे शराब पीने लगता है। अब वो टियानमिंग से कहता है, इधर आओ, तुम्हारा फादर तुम्हें देखना चाहता है, सच में तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, तुम्हारे फादर ने सच में तुम्हें फेल कर दिया है। अब जैसे ही टियानमिंग उस आदमी को देखता है तो वो उसे देखकर अपने मन के अंदर कहता है, ये तो ली वुडी है। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपने अपने माता पिता का ख्याल रखना। माता नहीं।